जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफराज सफी हूँ और वो इंटरव्यू आ गया, शेख रशीद साहब का वो इंटरव्यू आ गया जिसका बड़ा चर्चा था। और शेख साहब ने भीगी बिल्ली बन के कहा कि वो 40 दिन के चिल्ले पे गए हुए थे। आपको पता है कि उनसे पहले फर्रुख हबीब ने इंटरव्यू दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहन चौधरी के साथ बैठकर, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रूहानी दोस्तों ने मशवरा दिया है कि इमरान खान की बस कर दे, रगड़ा ला दे। यही और रूहानी दोस्तों ने क्या समझाया, यही समझाया। उससे पहले सदाकत अली अब्बासी डॉन न्यूज पे गए, फिर वो अपने घर गए, माँ के गले लग के रोते रहे और हमें देखकर तरस आता रहा, रहम आता रहा पूरी कौम को कि यार ये कौन लोग था यार, छोटी कुत्ती कतूरी वड्डा हट क्यों चुकती सी। इनका गुरूर, इनका तकबर, इनकी बड़के याद है आपको। और आज तो मेरे पास इन सब बातों से भी बड़ी खबर है, बड़ी बात है जो मैं आपको बताने वाला, और झुरझुरी आ जाती है। मतलब कहां इनका प्राउड इस हद तक, और कहां ये इतने बुरे हालात। वो साइकिल वाला नहीं है जो कह रहा मुझे, कह रहा था जैसा मैंने साइकिल ले दो मैं साइकिल चलाऊंगी। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह की फरमाइशें करते होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो उसने की उसकी फरमाइश पूरी भी कर दी गई, साइकिल उसे मिल गई, लेकिन वो टूट फूट चुका है। मियां ताहर साहब की क्या खबर है, सीनियर जर्नलिस्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो खबर पूरी मैं देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि कासम और इब्राहिम, कासम दापा, वो हमारे भी बच्चे, बच्चे सबके सांझे होते हैं, जैसे माएँ सबकी सांझी होती हैं, जैसे माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, इसी तरह से बच्चे भी सबके सांझे होते हैं। उनके साथ बात करता हुआ ये पीटीआई का चेयरमैन रो पड़ा, दिल बर्दाश्ता हुआ, आंसू यूं गिरते चले गए। सच्ची बात है, पाप है, और पाप एक मुश्किल में है जो मुश्किल उसने खुद ही अपने खाते में डाली, अपने पलड़े में डाली। वो अपने बच्चों से बात करता हुआ रो पड़ा, और जब ये खबर हमारी नज़रों से गुजरी तो हर दर्दे दिल रखने वाला बंदा जो है उसका दिल पसीजता है। सच्ची बात है, वालदैन और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन करतूत पारी कल तो मुक दी है ना, करतूता थे कि कीता की किने क्या सी कि आप जो फौज आपके साथ मुसलसल चलती आ रही थी, कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के रूप में, अगर वो आपसे पीछे हट गई है तो आपने किस, आपको किसने कहा था कि नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप गलीज अल्फाज के साथ मुखातिब करें, किसी को डर्टी हैरी कहें, किसी को मिस्टर एक्स कहें, किसी को मिस्टर वाई कहें, किसी को मीर जाफर कहें, किसी को मीर सादिक कहें। भाईजान, आप सियासतदान हैं या आप की ठेका नहीं सी दिता तेन फौज ने जो उनके नाम बिगाड़ रहा था। उस सियासतदान तो जमहूरियत की बात करता है, जमहूरी बात करता है, जमहूरी लोगों से लड़ता है और जमहूरी लोगों से हारता है या जीतता है। उसका तो ऐसा कोई मामला नहीं होता, जो आपके मामला थे। और जिस तरह से आप ये सारे का सारा ड्रामा कर रहे थे, आप क्या समझ रहे थे कि इसका रिजल्ट नहीं आना। जिस दिन पहली दफा आपने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाले थे, सबको उसी दिन ही पता चल गया था कि इनके साथ क्या होने वाला है।
किधर गया वो फार्म बंदियाल और सॉरी उनके भरा का नाम याद आ जाता बार बार, शबनम अदाकारा शबनम के साथ ज्यादती करने वाले का घटिया का वो उमर अताब बंदियाल किधर गया जो टोकरे भरवा भरवा के ऐश करवाता था आपको जमानतों की, आप रिमांड पर थे और उसने कैसे आपको VVIP प्रोटोकॉल देकर मर्सिडीज पर बुलवाया सुप्रीम कोर्ट, और कैसे गेस्ट हाउस बना दिया पुलिस लाइन को आपके लिए और कहा कि जाओ पहुंचा करो खाओ पियो 11 मिलियन उठे सदो। ये सारे का सारा ड्रामा क्या हम देख नहीं रहे थे? क्या हमें अंदाजा नहीं था कि आपके साथ होने वाला क्या है? क्या आपको मुकाफात अमल का सारे का सारा पूरी की पूरी तारीख इस दुनिया की तारीख भूल गई? क्यों भूल गई? आपने क्या समझा था कि जो सूरज आपका चमक रहा है इसने हमेशा चमकते रहना है? आपने मियां मोहम्मद बख्श का वो शेर भी कभी ना पढ़ा कि डीगरते दिन गया मोहम्मद ते ओड़क नू डुब जाना, ओड़क नू डुब जाना होता है। आपका जब सूरज डूबा तो आप इस हद तक टूट गए और आपके ये जो तलेर शेर जो बड़के मारते थे जो मुक्के मारता होता था ऐसे मेज पर ये शेख रशीद, और जो कहता होता था यहाँ आग लग जानी है यहाँ आ कर देना यहाँ वो कर देना, ये सारे ड्रामा बाज चंद दिन की सख्ती नहीं सह सके? ये किस तरह के सियासी कारकुन है? दो दो चपेड़ा भैया तो पता ही नहीं क्या हो गया आप लोगों को। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भाग रहे हैं, सब इंटरव्यूज देने के लिए भाग रहे हैं, सब एक दूसरे को लताड़ के आगे निकल जाना चाह रहे हैं, वादा माफ गवाह बनना चाह रहे हैं, और वो एक वादा माफ गवाह जो आपके खिलाफ बनने वाला है इमरान खान साहब। आपको पता है पहले उसने दुबई में कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ से बाइज्जत तरीके से मुलाकात हो जाए, मलिक रियाज अलकादर ट्रस्ट वाला वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग वाला वो 460 जुर्माने वाला याद होगा आपको, आपका यार 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट ही रखे अंगूठियों वाला। उसने पहले बड़ी इज्जत के साथ चाहा कि उनकी मुलाकात हो जाए मियां नवाज शरीफ के साथ, लेकिन जब जवाब मिला तो खुजल के चला गया। तो फिर जो मियां नवाज शरीफ के गार्ड्स ने उसे धक्के मारे ठुड्डे मारे और बेइज्जत करके रख दिया, ये है अंजाम। हर हर तरह के हर हर तरह के उस बदमाश ने उस मुतकब्बर ने मुकाफात अमल के प्रोसेस से गुजरना है जो समझता है कि दिन मेरे उत्ते ही रहना, सूरज मेरे उत्ते ही बढ़ता रहना। ये चिल्ले काट के आ गए आपको बुरा कह रहे हैं खान साहब, आपको ये रूहानी दोस्तों से मिलकर आ गए और आपके बखिए उधेड़ रहे हैं, चीथड़े उड़ा रहे हैं आपकी सारी पॉलिसीज की, आपके नजरिए की, आपकी सोच की, आपकी ढींगा मुश्तियों की, आपकी नाहलियों नालायकियों की। किसने कहा था कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अतमे एतमाद कामयाब हो गई है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया है शोबाज, तो किसने कहा था असेंबली से भाग जाओ रिजाइन कर जाओ? 4 हुकूमतें आपके पास उसके अलावा भी थी, पंजाब की हुकूमत किसने कहा था तोड़ दो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लो? केपी की हुकूमत बनी बनाई सजी संवरी किसने कहा था तोड़ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लो? गिलगित बल्तिस्तान का बेड़ा गर्क कर लो अपनी हुकूमत का, आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत को बर्बाद कर दो, किसने कहा था? यू टर्न एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं वजीर आजम हूं तो सब ठीक, अगर मैं नहीं हूं तो पंजाब भी तोड़ दो, केपी भी तोड़ दो, कश्मीर भी उड़ा दो, गिलगित बल्तिस्तान भी उड़ा दो। ये रही आपकी सियासत। और मुक्की के थे आके साइकिल थे, आ जा नहीं बह जा साइकिल थे,
और मैं अपने व्यूवर्स को ये खबर देता हुआ नहायत हैरत ज़दा हूँ। लेकिन वो रिपोर्ट, वो जर्नलिस्ट बहुत बड़ा है, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, मियाँ ताहिर साहब, जिनका जिनकी ये खबर है कि इमरान खान ने कहा है, आपको पता है ना, ये पिछले दिनों इमरान खान के कुछ बंदे, कुछ नुमाइंदे आरफ अलवी से जाके मिले थे, सदर मुमलकत से। कुछ खबरें बाहर आई लेकिन असल खबर बाहर नहीं आई थी। इमरान खान ने अपने बंदों के हाथों मैसेज भेजा था आरफ अलवी को कि जैसे ये फर्रुख हबीब और आज शेख रशीद और दूसरे तीसरे इंटरव्यू करके और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके भाग गए मेरे सारे बंदे, अगले पिछले सियासी वर्कर नहीं थे ना, असल सियासी वर्कर होते तो ऐसे ना होता उनके साथ। वैसे ही मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूं, मैंने माफी दे दो, मैं भोला था, मुझे समझ नहीं थी, मुझे अकल नहीं थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम कोर कमांडर हाउस पे चढ़ाई कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम जो जिस GHQ पे हमला कर रहे हैं ये हमारी विरासत है, हमारी शनाख्त है, जिन शुहदा की मुख्तलिफ शहरों में जिन शुहदा के यादगारों पर हमले कर रहे हैं, हम जिस जागी का हम पूरे का पूरा दुनिया के सामने, जिसने दहशत बिठा दी पूरी दुनिया के सामने के इस्लामी कंट्रीज में से एक पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है, उस चागी की यादगार को तबाह जिसको हम कर रहे हैं, जिन वो MM आलम के हवाई जहाज को, उस तैयारी को, जंगली तैयारी को जिसको हिट कर रहे हैं, जला रहे हैं, यही हमारा सब कुछ है। मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता था, मुझे माफी दे दे। ये मियां ताहर साहब ने ये खबर दी है और कहा है कि वो कह रहा है इमरान खान, उसने आरफ अलवी को ये भी मैसेज भेजा था कि आप सदरे मुमलकत हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सईद असम मुनीर से बात कर सकते हैं, उन्हें बता दें कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, जो हुक्म हो, अगर हुक्म है कि मैं PTI का दरवाज़ा बंद कर दूं, जमात ख़त्म कर दूं, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, मैनू माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दियो बाऊ जी, इंसाफ कर दियो बाऊ जी, मैं मुजरम ताड़े प्यार दियाँ, हूँ माफ़ कर दियो बाऊ जी। वो गाना पंजाबी मैडम नूर जहाँ का, इस तरह से माफियाँ मांगी हैं, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जुर्म कबूल करने का की ऑफर की है जना असम मुनीर को, हमारे मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि मैं सारिया माफियां मांग लेना यार, जो कहते हो मैं मान लेना, मैनू इथों बाहर कढ़ो, मैं अडियाला जेल नहीं रह सकता, मैं किसी जेल नहीं रह सकता, मेरे मैनू माफ कर दो बाऊ जी, आइंदा कदी ऐसा नहीं होएगा, मेरे वड्डियां दी भी तौबा, मेरे कन्ना नूं हाथ, ये हुआ है भाई। और आप जानते हैं ना कि किस तरह से ये रेड लाइन थी PTI के यूथियों की, किस तरह से रेड लाइन, वह रेड लाइन पकड़ी गई होना से कुछ नहीं छेड़ना, तो रेड लाइन जब पड़ी हुई है जेल में तो किसी को एहसास ही नहीं। गुजारिश ये है, शेख रशीद ने मुनीब फारूक को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यार मैं चाहता हूं एक दफा इन सबको माफी मिल जाए, गैर सियासी लोग जो हैं, जो जिसका ISPR ने भी जिक्र किया था कि हमारे भी लोग शामिल थे, इस मुलविस थे इस इमरान खान के साथ, वो जाने और फौज का काम जाने, ये जो वाकई भोले लोग उसके ट्रांस में आए हुए थे,
ये जो मजदूर दिहाड़ीदार, ये जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले, ये जो हमारे इमोशनल बच्चे, ये जो सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड लोग जो पकड़े हुए हैं, जिनकी कहीं दाद रस्सी नहीं है, जिनको कोई जिनकी कोई पेशी पे भी नहीं जाता, मुलाकात के लिए भी कोई नहीं जाता, इस हवाले से जना आसम मनीर साहब, हमारी भी आपसे इल्तजा है कि यार इन्हें मूर्खान छोड़ दो, माफी दे दो, इनसे इनके नाक से लकीरें निकलवाएं, इनसे लिखवाएं कि आइंदा सारी जिंदगी कभी भी किसी तरह का कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, इस मुल्क को मुल्क समझेंगे, इस कौम को कौम समझेंगे, और इसकी इसका एहतराम दिल पे मोहर लगा के, ऐसे ठप्पा लगा के लिख के रखें। हम भी चाहते हैं कि इन नालायकों को माफ कर, ये सनम जावेद, ये दूसरी खवातीन, ये जो जज्बाती खवातीन थी जिन्होंने कभी पहले सियासत की ही नहीं थी, इनको माफ कर दें। ये टीनेजर जो इसके दाने में आए हुए थे, ये नौजवान जो इसके दाने में आए हुए थे, इसके चक्कर में इसकी रोज की तकारीर सुन सुन के जो जिन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया था इसे, इनको माफ कर दें। और इस तरह की माफी हो कि अगर इस यूटर्न मास्टर को भी माफी मिल सकती हो ना, तो यार एक दफा दे दें। ये मुल्क हमेशा आबाद रहने के लिए, आजाद रहने के लिए बना है, इसे कोई इमरान खान या उसका कोई यूथिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दफा आम माफी का ऐलान करके वाकई, ताकि हमारे मुल्क की मईशत आगे बढ़ सके, ताकि हमारे मुल्क की टेंशन ख़त्म हो सके, ताकि उन गरीब घरों में रोशनी हो सके जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके बाप पकड़े गए हैं और उन घरों में अंधेरा है, वहाँ रोशनी आए। ये हमारे मुल्क को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते ये फितने, इनकी जुबानें हमेशा के लिए बंद करके इनको छोड़ दें, ताकि हम कह सकें कि यहाँ सुलह का, अमन का, मोहब्बत का, एहसास का दौर आया है। वो मेरा शेर है ना कि चलिया जी नू जी हुंदी है और मोहब्बत की हुंदी है, अपनी मोहब्बत में एक दफा जी नू जी करो। हाफिज साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, अब सदा आबाद रहे, और इस मुल्क को जिस तरह जिस डंडे से आपने आबाद किया है, स्मगलिंग जो की है, डॉलर नीचे लेके आए हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है, दीगर अशिया पर खुर्दनोश अशिया खुर्दनोश पे असरात आ रहे हैं, गुर्बत कम हो रही है, हमारा ज़र मुबादला बढ़ रहा है, जो आपने इन स्मगलरों, डाकुओं, उनकी हवाले वालों और फॉरेन एक्सचेंज से $1 अरब पाकिस्तानी बैंकों में जमा करवाया है, उसके लिए आपको सल्यूट है, और एक दफ़ा माफ़ी दें। हो सकता है इस माफ़ी से रब बहुत राजी हो कि इन मूर्खों को छोड़ दिया और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ जाएं। जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन इसकी दबा लें। अल्लाह हाफिज़।